Hello guys, welcome back to my channel. My name is Mohammad Fahim Hussain and you are watching my channel. So in last video you studied about present tense. So in this video we are going to learn about past tense. Present tense we have covered. Now we are going to learn about past tense. Past ka matlab jo kaam khatm ho gaya, beet chuka. Ab hum wo प्रेजेंट से कोई उसका मतलब नहीं है, जो काम पास्ट में ही था वो पास्ट में रह गया. सो द फर्स्ट पार्ट हम जो पढ़ेंगे पास्ट का वो है सिंपल पास्ट. क्या है वो? सिंपल पास्ट, और उसको हम पास्ट इंडिफिनिट भी बोलते हैं. सिंपल पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं उसका नाम होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वाज, वर, हैड, कुछ नहीं होता. इसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है. अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्या एक्सप्लेनेशन होता है. इट मींस दैट द वर्क वाज फिनिश्ड इन द पास्ट. इसका मतलब होता है जो काम पास्ट में खत्म हो गया था, जो काम पास्ट में खत्म हो गया था. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो काम पास्ट में खत्म हो चुका था और उसका टाइमिंग हमको पता चल रहे. जैसे बहुत सारा होता है टाइमिंग जिसको हमको पता नहीं होता कि वो काम कब किया था मैंने, वहाँ पटना में कब गया था, वो काम मैंने कब खत्म किया था, हमको उसका टाइमिंग नहीं पता रहता है. तो उस टाइम हम क्या करें? बट जब का टाइमिंग पता रहे हमको पास्ट का, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट. जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947. देखिए हमने अब इंडिया हैड नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि हमको पता है आज़ादी कब मिली? 15th of August 1947 में मिली. दैट्स वाई वी हैव यूज सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, हमको पता है कि 1947 में ही आज़ादी मिली. दैट्स वाई आई वेंट टू पटना यस्टरडे. मैं कल पटना गया था. मेरे को पता है कि मैं पटना कब गया, कल गया था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट प्लस वी टू का यूज किया. राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव जान रहे हो, हमारे बीच अब नहीं रहे हैं. ही वॉज वेरी ग्रेट कॉमेडियन. तो राजू श्रीवास्तव डाइड लास्ट नाइट. राजू श्रीवास्तव है, कल ही जो है उनका देहांत हो गया था. राजू श्रीवास्तव डाइड लास्ट नाइट, मतलब कि कल की बात थी जो पता थी, इसलिए हमने वी टू लगाया. ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस गाइस. अब एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए. यस गाइस, सो हमने सिंपल पास्ट और जिसका नाम हम पास्ट इंडिफिनिट भी बोलते हैं वो हमने कवर कर लिया. सिंपल पास्ट और उसका नाम क्या है? पास्ट इंडिफिनिट. वो हमने कवर कर लिया. अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस. जस्ट लाइक हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था ना, जो काम अभी चल रहा है. जस्ट लाइक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो क्या अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट में. वैसा ही काम जो पास्ट में चल रहा था, वो कंटिन्यूअस चल रहा था, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस, जो काम पास्ट में हो रहा था लगातार, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. अब आते हैं, हम समझते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर से और एक्सप्लेनेशन से. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होता है. इट मींस दैट द वर्क वाज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम कंटिन्यूअसली. इसका मतलब होता है जो काम पास्ट में लगातार हो रहा था. जस्ट लाइक आई वाज रीडिंग अ बुक. मैं बुक पढ़ रहा था, लगातार काम कर रहा था ना, वो एक मिनट के थोड़ी ना कर रहा था. मतलब कि काम वो लगातार चल रहा था, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब देखिए अब एग्जांपल समझते हैं. फहीम सर वाज टीचिंग प्रेजेंट टेंस. मतलब कि जो मैं प्रेजेंट टेंस था वो क्या पढ़ा रहा था लगातार काम जो चल रहा था मेरे द्वारा. ठीक है, तो फहीम सर वाज टीचिंग प्रेजेंट टेंस. बॉयज वर फाइटिंग इन द क्लास. बॉयज मतलब प्लूरल है, तो इसलिए हम वर लग गया. फहीम सर एक है, तो इसलिए वाज लगा है हम लोगों ने. बॉयज वर फाइटिंग इन द क्लास. लड़के क्लास में लड़ाई कर रहे थे. लड़के क्लास में झगड़ा कर रहे थे. जो काम है कंटिन्यूअस में चल रहा था. अब आते हैं साहिल आलम. ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. साहिल आलम वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो. साहिल आलम है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था.
साहिल आलम जो रिकॉर्ड वीडियो है रिकॉर्ड कर रहा था। सो ये गाइस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो गाइस हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल पास्ट पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट जो काम पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जस्ट लाइक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है? इट मीन्स दैट द वर्क वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट, इट मीन्स दैट द वर्क वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट। इसका कहने का मतलब है जो काम पास्ट में खत्म हो चुका था। इसका आइडेंटिफाई अगर हम हिंदी से करें तो चुका था, चुके थे से हम इसको पहचान सकते हैं। अब एग्जांपल देते हैं, आई हैड बीटन राजू, मैं राजू को मार चुका था। दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, वो अपने होमवर्क खत्म कर चुके थे। ही हैड गॉन टू पटना, वो पटना जा चुका था। देखिए गाइस, ये तो बड़ा बेसिक थिंग है, बेसिक चीज़ है जो हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट को। अब बहुत सारे एग्जाम माइंड में आता है कि सर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को कब यूज़ करें? दोनों तो कहता है कि लाइक पास्ट में यूज़ करें, बट किसको कब यूज़ करें और पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करें? तो मैं सिंपल सा थोड़ा सा जस्ट लाइक एक ग्लिम्स दे देता हूँ, झलक दे देता हूँ, ज़्यादा उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है ना? बस हमको इतना पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ बहुत कम करते हैं, ना कि बराबर यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए समझ के चलिए, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और एक ये पास्ट है, पास्ट से भी पास्ट, ठीक है ना? ये सिंपल पास्ट का हम यहाँ यूज करेंगे और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा झलक सी बता देता हूँ, हल्का सा, तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। अभी जो कि प्रेजेंट है, एक होता है जो प्रेजेंट में, एक होता है काम पास्ट में होता है और एक काम जो पास्ट के भी पास्ट में से पहले होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल बोलते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब कि दो काम हुआ पास्ट में, दो काम हुआ, एक डॉक्टर आया था और उससे पहले क्या हुआ, मरीज मर गया था। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि काम दो काम पास्ट में हुआ है और डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, मतलब कि उसका काम पहले हो गया था, उसके बाद डॉक्टर आया। तो इसलिए हमने क्या बोला? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ऐसा सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट को तभी यूज करते हैं जो काम पास्ट से के पास्ट में भी हुआ है। मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था जब तुम खाए थे। मैंने खाना खा चुका था जब तुम खाए थे। आई हैड ईटन फूड व्हेन यू एट, ठीक है, मैंने मतलब कि तुमसे पहले मैंने खाना खा लिया था। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का थोड़ा सा हल्का सा, तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना बता दिया, आप एक बार आप देख सकते हो। ओके गाइस, सो हमने तीन पार्ट कवर कर लिया पास्ट टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा था, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे पहले मैंने शुरू किया और अब तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो होगा जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यूअस चल रहा था, अभी फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं है उसका, मतलब कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा था, वो तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक मैं दो घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, तो ये जो काम पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यूअस प्रोसेस से चल रहा था, जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा था, वो 3 घंटे से सो रहा था, वो 5 दिन से
वहाँ काम कर रहा था, इस टाइप प्रेजेंट टेंस हो, जो काम पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही काम चल रहा था लगातार पे, वो उसका हम तब यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस है, इसमें हैज हैव कुछ नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हैड सबके साथ लगेगा, आई के साथ, वी यू है, दे शी इट सबके साथ हैड लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर होता है। अब बताते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इट मीन्स दैट द वर्क वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट वॉज गोइंग ऑन इन इट द पास्ट। क्या बताया मैंने, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही चल रहा था, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही चल रहा था, प्रेजेंट में नहीं चल रहा था, वो पास्ट में ही चल रहा था। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। वो किताब 2 घंटे से पढ़ रहे थे, वे किताब 2 घंटे से पढ़ रहे थे। शारिक हैड बीन लिविंग इन गया फॉर 3 ईयर्स। शारिक है जो गया में 3 साल से रह रहा था, शारिक जो है गया में 3 साल से रह रहा था। चिल्ड्रेन हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वीप का मतलब क्या होता है, रोना, और क्राई का मतलब चिल्लाना। क्राई और शाउट में फर्क है। एक शाउट मतलब होता है किसी पे डांटना, वाई आर यू शाउटिंग ऑन मी, मतलब क्यों मेरे पे चिल्ला रहे हो, और एक होता है कि क्राइंग मतलब कि रो रो के चिल्लाना, वो अलग चीज होता है, ठीक है। सो चिल्ड्रेन हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे हैं जो सुबह से रो रहे थे, बच्चे हैं सुबह से रो रहे थे। सो गाइस आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छा से, ये लास्ट स्ट्रक्चर था हमारा पास्ट का। सो यस गाइस, सो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया और पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल दैट डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल देन इट विल मोटिवेट मी, इट विल इनकरेज मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज इन फ्यूचर फॉर यू ऑल। बस अपना प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और गाइस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टार्ट करिए तो लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए उसको, ठीक है ना। इट विल सपोर्ट मी, इट विल रियली हेल्प मी, ठीक है ना। सो आप अच्छे से देखिए, ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए गाइस। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।